नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 313 किलो वजन उठाकर 73 किग्रा में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी अजंता स्योरी का जबलपुर में आर्मी ने भव्य स्वागत किया। बुलेट की तेज आवाज से भी तेज भारत माता की जय के नारे लगे। इस रैली को जिसने भी देखा वो खुद को नारे लगाने से रोक नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना महामारी के दौरान संसाधनों की कमी के बावजूद चुनौतियों का मुकाबला करने का श्रेय राज्यों को दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर ध्यान केंद्रित किया है। निकाय पंचायत और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। विशेषकर प्रदेश महामंत्री पद पर कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी कहाँ है ये तो अभी तक नहीं पता चल सका है, लेकिन पुलिस की टीमें त्यागी को पकड़ने के लिए हर कोशिश में जुटी है। अब त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट लगाकर श्रीकांत त्यागी की तलाशी की जा रही है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की भावना से सरोवर जवान देश के गौरव राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थामे नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों को पहले भी जुलाई में लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज लहराते दिखाया गया था। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान से पूरे दिल से भाग लेने का आग्रह किया है। भाजपा के कई दिग्गज नेता बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, मंत्री नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे आदि शामिल हैं। वहीं जेडीयू ने अपने सांसदों को दिल्ली से पटना आने का निर्देश जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार 8 अगस्त को जेईई के दूसरे सत्र का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। जेईई के दूसरे सत्र में 24 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। इससे पहले पिछले महीने जारी किए गए जेईई के पहले सत्र में कुल 14 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए थे। जेईई के पहले और दूसरे सत्र में कुल मिलाकर 9,00,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के बारे में कहा है कि वह सत्ता के साथी रहे हैं, न कि संघर्ष के। सत्ता हाथ से निकल गई तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि उन्हें देर सवेरे तो जाना ही था, क्योंकि उनका तन यहां और मन कहीं और था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम सब यहां राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं। यहां इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार से विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। हम चाहते हैं कि अगर बीजेपी को छोड़े तो हम लोगों के साथ आए। हमारे यहां भी मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोगों का समर्थन मिलेगा। राजद, जदयू, कांग्रेस और हम की बैठक कल होगी। इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को हमने आमंत्रित नहीं किया है, गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का पांचवें और आखिरी मुकाबले फ्लोरिडा में खेला गया। टीम इंडिया ने इस आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज को 88 रनों से शिकस्त दी। भारत ने इस मैच को जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से अपने नाम किया। एलन मस्क ने एक बार फिर ट्विटर खरीदने की इच्छा जताई है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी है। मस्क ने ट्विटर पर ही खुलेआम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने सिर्फ 100 अकाउंट की सैम्पलिंग करते हुए यह जांचने का तरीका बता दे कि यह फर्जी है या नहीं। ऐसा करने पर वह ट्विटर को खरीद लेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक अधिवक्ता ने रेलवे से 20 रुपए के लिए 22 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़कर आखिरकार जीत हासिल कर ली है। अब रेलवे को एक माह में उन्हें 20 रुपए पर प्रतिवर्ष 12% वार्षिक ब्याज लगाकर पूरी रकम चुकानी होगी। साथ ही आर्थिक व मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के लिए 15,000 रुपए जुर्माना के रूप में भी देने का निर्देश दिया गया है। साल 2017 से 2021 के दौरान भारत की हथियारों के आयात में 11% हिस्सेदारी थी, लेकिन इस लिस्ट में एक खास बात यह थी कि इन 4 साल में हथियारों के आयात में सबसे ज्यादा कमी भारत से हुई थी। भारत का फोकस मेड इन इंडिया पर बढ़ गया है। तेजस दुनिया में रक्षा बाजार में भारत को एक नई पहचान देगा। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कहा कि वह अविश्वसनीय खिलाड़ी है। मुझे लगता है सालों से टीम इंडिया में काफी एग्रेसिव खिलाड़ी हुए हैं और रोहित जबरदस्त खिलाड़ी है। रोहित की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज 4-1 से अपने नाम की।
संजय राउत के जेल जाने के बाद सामना के संपादक बने उद्धव ठाकरे के निशाने पर बीजेपी के साथ अब विपक्षी दलों के नेता भी हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से ही दूर रहीं। इसके लिए उन्होंने जो कारण गिनाए वो हास्यास्पद है। उनके सूबे में ईडी और सीबीआई कहर बरपा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने उनकी हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। खास बात है कि पात्रा चौल मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे राउत को बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने तीसरी बार उन्हें हिरासत में भेजा है। कई बैंकों ने लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकों ने लोन पर अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। अन्य बैंक भी उपभोक्ताओं के लिए लोन महंगा कर सकते हैं। केबीसी का पहला एपिसोड आजादी दिवस स्पेशल था और इसे भारत के नायकों को समर्पित किया गया, जिसमें भारत के कई दिग्गज नायकों को बुलाया गया था। वहीं इसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का भी नाम शामिल था, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर शो को लेकर बायकॉट की मांग उठ रही है। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने वाले बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, क्या इतने सालों से बीजेपी सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसका गुंडा राज और अवैध कारोबार फला फूला? भारतीय सेना बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली है, जिससे पाकिस्तान और चीन मुश्किल में पड़ जाएंगे। ड्रैगन सीमा पर कुछ भी हरकत करने से डरेगा और पाकिस्तान के भी पसीने छूट जाएंगे। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार नई नई रणनीति का इस्तेमाल करती रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने जून 2020 में स्वेच्छा से 2020-21 के लिए अपने वेतन को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते यह फैसला किया था, जिसने देश के आर्थिक और औद्योगिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। अंबानी ने 2021 से 22 में भी अपना वेतन नहीं लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के नाम एक और स्वर्ण पदक पक्का हो गया है। इस बार गोल्ड मेडल महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की बदौलत देश को हासिल हुआ। पीवी सिंधु ने सीधे गेम में कनाडा के सटलर को गोल्ड मेडल मैच में शिकस्त दी और बर्मिंघम में तिरंगा लहरा दिया। प्रोविडेंट फंड के 28 करोड़ से अधिक खाता धारकों के अकाउंट की जानकारी लीक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पीएफ की वेबसाइट की हैकिंग इस महीने की शुरुआत में हुई। यूक्रेन के एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बॉब डीएचएनओ ने यह जानकारी दी है। मुंबई में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल रविवार को मेट्रो रूट पर ट्रेन चलाने के लिए बिजली की सप्लाई भी शुरू हो गई है। मेट्रो 3 कॉरिडोर के सरीपुर नगर से मरोल नाका तक के मार्ग पर 25 केवी बिजली की आपूर्ति की गई। मुंबई में आयोजित लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सचिन अवस्थी को लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड में यूथ आइकन सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खेल पर हमारा पूरा नियंत्रण था, लेकिन आखिरी के कुछ ओवरों में हमने कुछ गलतियां की। देश इसके लिए मेडल पाकर अच्छा लग रहा है, हम अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का रविवार को धमाकेदार आगाज हुआ। 14वें सीजन में एक नया पड़ाव जोड़ा गया है। 75 लाख का सवाल 2 कंटेस्टेंट्स के सामने होगा। इस सवाल का सही जवाब देकर वे 75 लाख जीतेंगे। अगर जवाब गलत निकला तो सीधे 3,20,000 पर पहुंच जाएंगे। कंटेस्टेंट धूलीचंद अग्रवाल क्विज शो में आने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केबीसी के मंच पर आना उनकी 21 साल की साधना है, जिसका अध्याय अब पूरा होने वाला है। एप्पल अपने अपकमिंग स्मार्टफोन आईफोन 14 को भारत में मैन्युफैक्चर की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भारत से की जाएगी, साथ ही भारत से ही पूरी दुनिया में इसकी शिपिंग भी होगी। भारत और चीन संयुक्त रूप से आईफोन को शिपमेंट करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है एस निशा, दीपक कुमार, राजकुमार प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, अवधेश राज और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता सेवली और पीवी सिंधु द्वारा भारत को गोल्ड मेडल दिलाने पर आप उन्हें क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? आप अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।